वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा, आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड सीईओ कोच। आज का मेरा टॉपिक है ब्रेन वॉशिंग से कैसे बचा जाए। आज के जमाने में भयंकर ब्रेन वॉशिंग हो रही है। पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग भी होती है, सोशल ब्रेन वॉशिंग, फैमिली ब्रेन वॉशिंग, पीयर ब्रेन वॉशिंग। आज मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, सोशल डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया बहुत बड़े बजट के साथ आज क्रिएटिवली थोड़ा इंटेलिजेंटली ट्राई कर रहे हैं किस प्रकार से आपका और मेरा माइंड को किसी तरह से थोड़ा कैप्चर कर ले, थोड़ा माइंड के अंदर स्पेस क्रिएट कर ले, माइंड के अंदर रिपीटेड स्पेस क्रिएट करें ताकि आप एक कॉल टू एक्शन क्रिएट हो आपके जीवन के अंदर। अनकॉन्शियसली इस प्रकार के हिडन कमांड आज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपको और मुझको दे रही है ताकि हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में सबलिमिनल थॉट्स के साथ एक स्पेस क्रिएट हो, जिस स्पेस के कारण हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करके डिसीजंस ले लें। ब्रेन वॉशिंग बड़ी खतरनाक चीज है। आपके माइंड में बड़ी समझदारी के साथ ब्रेन वॉशर्स ये जानते हैं कि आप लॉजिकली अपने बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, इमोशनली अपने बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसका फायदा कई बारी पॉलिटिकल ब्रेन वॉशर्स भी ले जाते हैं। मैंने अभी क्या देखा, रिसेंटली कई इलेक्शन कैंपेन्स में आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे शहरों और स्टेट्स के अंदर जाति और धर्म के नाम पे लेस कॉम्पिटेंट लीडर भी ज्यादा वोट ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट कर पाता है और ब्रेन वॉश कर देता है कि मैं ही तुम्हारा बेड़ा पार लगाऊंगा। अच्छा, ये पॉलिटिकल लीडर क्या होते हैं, इनके पास स्किल भी कम है, टैलेंट भी कम है, विल भी कम है, कम कॉम्पिटेंट है, पर इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं, इसीलिए ब्रेन वॉश कर जाते हैं कि आप वोट मुझको दो, मैं आपके अधिकारों को सदन तक, संसद तक लेके जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट देना, मैं आपके अधिकारों को लेके जाऊंगा। और देखते जाइए ये कई अल्प समुदाय और संप्रदाय के लोग जानते हैं ये कुछ नहीं कर पा रहा मेरे लिए, लेकिन फिर भी इमोशनली इतना कनेक्टेड होते हैं उससे कि उसी को वोट देते हैं, उसी लेस कॉम्पिटेंट आदमी को वोट देते हैं जो बाद में ना आज ना कभी, जो कि ना भूतों ना भविष्यति ना इतिहास में वो आपके लिए कुछ अच्छा कर पाया, ना भविष्य में कभी अच्छा कर पाएगा। पर क्या होता है, ब्रेन वॉश हो जाता है। ब्रेन वॉश होने के बाद मैसिव बिहेवियर प्रोड्यूस होगा उसी हिसाब से जिस प्रकार से ब्रेन वॉश हुआ है। आज बड़े बड़े डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट और डिविजन क्रिएट कर दिए गए मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये सब मिलकर आपके इमोशंस और डिजायर्स को इस प्रकार इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि कुछ ट्रिगर्स क्रिएट हो जिससे आपका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए। एक्चुअली इनका एक ही काम है, इनका काम है कि ये आपकी लॉजिकल प्रोपेंसिटी को खत्म कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपकी रैशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को समाप्त कर दें ताकि आप इमोशनली ड्रिवन होकर के अपने बाइंग बिहेवियर का, आपका बाइंग बिहेवियर थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाए जिससे आप डिसीजन लेकर के आप सामान खरीद सकें। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉशर्स। ये ब्रेन वॉशर्स मिलकर, देखिए ब्रेन वॉशिंग तो होगी ही होगी, आपकी ब्रेन वॉशिंग तो हमेशा होगी, अब डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है। आप खुद अपनी ब्रेन वॉशिंग कॉन्शियसली कर रहे हैं या आसपास से अनकॉन्शियसली अपनी ब्रेन वॉशिंग करा रहे हैं। गलत आदमी अगर आपकी ब्रेन वॉशिंग कर गया ना, अगर आपके पास अपना ऑब्सेशन स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट नहीं होगा तो आप दूसरों का गोल स्टेटमेंट अचीव करने के लिए उनके साथ भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका ब्रेन वॉश कर देंगे। आज सोशली भी कई ब्रेन वॉश कर रहे हैं आपके परिवार, पीयर, परिवार, समाज के कई लोग, जिसके कारण क्या दिक्कत आ रही है, एक ही दिक्कत आ रही है कि आज आपके बड़े बड़े सपनों को वो काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं ब्रेन वॉश करके। सुना ना मेरे पिछले वीडियो में, वो क्या कहते हैं, गांव के पिताजी चौबे जी छब्बे बनने निकले, दुबे बन के लौटे। उनको लगा एक चौबे छब्बे नहीं बन पाया, दुबे रह गया, इसलिए मेरा बेटा भी दुबे रह जाएगा। सारे सपनों को समाप्त कर देते हैं। दूर दूर, गांव, कस्बा, तालुका, तहसील मेरे वीडियोस लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपना ब्रेन वॉश गलत आदमी से मत करवा लेना, अपना ब्रेन वॉश आपको खुद करना है। आज मैं कहीं टेम्पलेट देने वाला हूं करना कैसे है। ब्रेन वॉशिंग के विषय में कृष्ण ने भी भगवद गीता में बहुत चर्चा करी है। ये है आपका पूरा माइंड, इसके अंदर ये कॉन्शियस माइंड, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये अनकॉन्शियस माइंड, ये आपका चेतन मन, ये अवचेतन मन, ये अचेतन मन। अवचेतन मन और अचेतन मन को ये पांच द्वार से एंट्री मिलती है डेटा प्रवेश करने के लिए, जो पीछे भी आपने मेरे मेमोरी टिप्स वाले वीडियो में देखा था। अभी जरा ध्यान से देखिए, ये डेटा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, ये पांच इंद्रियों से प्रवेश करेगा और उसके बाद कॉन्शियस माइंड को जब जरूरत पड़ेगी वो डेटा को ढूंढ के निकालेगा। कॉन्शियस माइंड ढूंढता है, सर्च करेगा कि डेटा कैसे निकाला जाए। अब जो अंदर प्रवेश कर चुका है वही आप निकाल पाएंगे। कभी कभार चेतन मन क्यों कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि चेतन मन को अपने काम का डेटा अंदर मिलता नहीं है, उसकी ऑब्सेशन स्टेटमेंट की पसंद का कुछ मिलता नहीं है, तो सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड अपने आप ही उस कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करता है, जिसके कारण कॉन्शियस माइंड हेल्पलेस रहता है। तो अपने माइंड को प्रोटेक्ट करिए, हिप्नोटाइज मत होइए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के
के द्वारा इस्तेमाल किए जाना वो गलत है। सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है तो आप खतरे में हैं। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड देखा जाए तो बहुत ही शक्तिशाली है, पर इसमें एक समस्या है, इसमें परमानेंट रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन हो रखा है। परमानेंट रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन का मतलब क्या है, ये जिसके एक्सपोजर में आएगा ये सारी इमेजेस को कैप्चर करता चला जाएगा और ये सारी मीडिया मिलके आपके माइंड के अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग फीड करने में लगी है बाय रिपीटिंग देयर दोस इमेजेस, जिससे वो इम्प्लांट होकर के हब हिडन कमांड के साथ रजिस्टर हो जाएगा और कॉल टू एक्शन के लिए आपको कंपेल करेगा और ऐसा कंपेलिंग एक्साइटिंग स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट करेगा, आपको लगेगा ये तो मुझे करना चाहिए और हो सकता है उसकी आपको जरूरत भी नहीं थी, और वो डिफॉल्ट सेटिंग आने के बाद आपका माइंड ऑटो मोड में चला जाता है और वो बार बार पॉपअप देता है, बार बार पॉपअप देता है, वही सिचुएशन आने पे फिर पॉपअप देगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, जिससे आपका बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है। और आज ये लोग जानते हैं, कई कॉर्पोरेट्स को मैं जानता हूं जिनका अपना R&D प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जो खर्चा कर रहे हैं ना ग्लोबली, उससे ज्यादा खर्चा उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में कर रहे हैं। देखिए प्रोडक्ट बनाने में उनका ध्यान नहीं है, प्रोडक्ट की R&D में उनका ध्यान नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा बने इस पे ध्यान नहीं है, उसको बेचने के लिए आपके माइंड को कैप्चर करने में उनका बहुत बड़ा ध्यान है। अगर यहां डिफॉल्ट सेटिंग वो क्रिएट कर जाते हैं, अब आपको लगता है देखो ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, कार का मतलब मारुति सुजुकी, ऐसी बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं। एक्चुअली आपके साथ धोखा ये हो रहा है, अब जो आपके थॉट्स है ना ये आपके क्रिएट किए हुए थॉट्स नहीं है, ये आपके कॉन्शियसली बनाए गए थॉट्स नहीं है, ये अनकॉन्शियसली डेवलप किए गए हैं, जो बाहर वाले आके अपनी मर्जी से आपको इम्प्लांट आपके अंदर देकर के चले जाते हैं। आप तो ग्वाची गाय की तरह एक शरीफ आदमी है और आपके साथ क्या हो रहा है आपको पता नहीं लग रहा। When there is a trinity of sound, motion and vision effect, ये surrogate advertising भी अपना काम कर जाती है। Surrogate advertising में क्या होगा, एक brand product होगा और उसका same brand name use करके product कोई और दिखा करके subliminal thought के अंदर implant कर देंगे, subconscious mind में register कर देंगे। जैसे शराब एक brand product है, उसकी advertisement नहीं हो सकती है, तो उसी brand name का एक mineral water या soda bottle ले लेंगे और उसको दिखा करके उसके साथ में एक rub off effect create करेंगे, आपके माइंड में सबलिमिनल थॉट रजिस्टर हो गया, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, ठेके पे जाएंगे, वो नाम याद आ जाएगा। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग में भी वो बार-बार क्या करेंगे, सबलिमिनल इमेजेस को रिपीट 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 बार-बार तरीका ढूंढेंगे। एक मूवी के अंदर एक्टर कोला ड्रिंक पीते हुए दिखाई पड़ेगा, वो बोल नहीं रहा कोला पियो, लेकिन वो कोला की इमेज दिखाई पड़ रही है उस बॉटल की, वो बार-बार इमेज आएगा सबकॉन्शियस माइंड में, फिर रजिस्टर होगा। उस तरह से तरीके ढूंढे जाएं। आजकल ब्रांडिंग क्या है, जहां जहां हो सके आपके माइंड के अंदर स्पेस ढूंढ करके सेट करना चाहते हैं कि ऑटो मोड के अंदर आपका माइंड डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर चला जाए, जब भी कॉन्शियस माइंड को कुछ ढूंढना हो वही मिले और कुछ मिले ही नहीं। एक एडवर्टाइजिंग पफरी भी होता है, कुछ कुछ एग्जैजरेटिंग और बोस्टफुल स्टेटमेंट बोल देंगे आपके सामने जो कि सब्जेक्टिव होगी, जिनके पीछे कोई लॉजिकल आधार नहीं होगा, जिनको क्वांटिफाई या मेजर ना कर सके, पर देखने में लगेगा कोई बड़ा रिजल्ट आने वाला है, ऐसा सब्जेक्टिव स्टेटमेंट दे देंगे आपके सामने, ये पफरी होता है। ये एक्चुअली जब देखे जाए बाद में मेजर करें तो क्या लगेगा, मिसलीडिंग एड थी, उसके पीछे अगर डेटा को रिसर्च करें तो पता चलेगा कि बातों बातों में बोल दिया लेकिन उसके पीछे कोई दम नहीं था। इसी के माध्यम से चुपचाप वो एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी और सेंस ऑफ कंपल्शन क्रिएट कर जाएंगे आपके माइंडसेट के अंदर। अब जब भी कहीं बाइंग डिसीजन की बारी आएगी तो आपको सबलिमिनल थॉट्स के थ्रू वो याद आएगा, क्योंकि एक ऐसा इमोशन आपका टच कर गया। एक्चुअली इमोशन इज न्यू लॉजिक, लॉजिक इज नो मोर अ लॉजिक नाउ, वन मोर टाइम, इमोशन इज न्यू लॉजिक, लॉजिक इज नो मोर और लॉजिक नाउ, रैशनल रैशनल नहीं रहा, इमोशन ही नया रैशनल बन चुका है, इसलिए बोल रहे हैं इसी को बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। अब ब्रेन वॉश तो देखो आपका होएगा, कोई ना कोई तो कर ही रहा है, हर समय हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, इस वीडियो को देख के भी हो रहा है आपका ब्रेन वॉशिंग, पर डिपेंड इस पर करता है कहां ब्रेन वॉशिंग कराना ठीक है, किससे ब्रेन वॉशिंग कराना बढ़िया है। सही जगह ब्रेन वॉश करा लो, कॉन्शियसली कॉन्शियस होकर चेतन मन से ब्रेन वॉश कराओगे बचे रहोगे। अपना ब्रेन वॉशिंग प्लान बनाइए, मैं आज आपको टेम्पलेट दूंगा, अगले क्वार्टर के अंदर आप अपना ब्रेन वॉश कॉन्शियसली चेतन मन से किस प्रकार करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको एक्चुअल फॉर्मूला और टेम्पलेट दूं सोल्यूशन का, पहला सोल्यूशन मैं आपको भगवद गीता से देना चाहता हूं, कृष्ण ने भी इसके बारे में बताया है। दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं अपूर्य मानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद्वत कामा यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। किसी भी सोल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं भगवद गीता पे जाता हूं, भगवद गीता में सारे सोल्यूशन दिए हुए हैं। कृष्ण कहते
कहते हैं समुद्र के अंदर नदियां प्रवेश करती रहती हैं, समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत, आपा मतलब जल, समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत, समुद्र में नदियां कंटिन्यूस प्रवेश करती हैं, कंटिन्यूस प्रवेश करती हैं, हफ्ते में 6 दिन प्रवेश करती हैं, यस नो नो 6 दिन नहीं 7 दिन प्रवेश करती हैं, कब से कर रही हैं, कृष्ण ने जब श्लोक बोला उससे भी काफी समय पहले से कर रही हैं, 5200 साल पहले कृष्ण ने श्लोक बोला था, यानी कि नदियां समुद्र में प्रवेश करते जा रही हैं, लेकिन समुद्र स्थिर है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, समुद्र कैसा है, अचला प्रतिष्ठम, अचला वो चलता नहीं है, वो स्थित हुआ पड़ा है, ठीक उसी प्रकार तद्वत कामा, उसी प्रकार कामनाएं, ये सारी कामनाएं है ना, अलग अलग जगह से आ रही है, या तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करेंगी, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति, प्रविशन्ति प्रवेश करेंगी, लेकिन सशांति मापनोति न काम कामी, सशांति मापनोति, शांति केवल उसको मिलेगी जिसको कामना तो आएगी पर ऊपर से वो कामी नहीं बनेगा, कॉन्शियस माइंड से रोक देगा, बोला अगर थॉट आ भी गया रोक दो, डू नॉट टेक अ रॉन्ग एक्शन, सही थॉट प्रोसेस जो आपके ऑब्सेशन स्टेटमेंट को लेके फेवरेबल है उसको पकड़ लो और उसको अचीव करो, तुरंत रिप्लेस हो जाएगा, जिससे आपके ब्रेन वॉशिंग को हम एकदम ठीक कर सकते हैं। जरा दोबारा ध्यान दीजिए, स शांति मापनोति न काम कामी, विचार तो आएंगे, पक्का आएंगे, हिमालय पे चले जाओ वहां भी आएंगे, समुद्र के नीचे चले जाओ वहां भी आएंगे, विचार हमेशा आएंगे, लेकिन करना क्या, शांति केवल उसको मिलेगी जिसको कामना तो आएगी पर कामी नहीं बनेगा, विचार तो आएगा पर विचार पे एक्शन नहीं लेगा, एक्शन किस पे लेगा, वो कॉन्शियसली सिलेक्ट करेगा कौन सा एक्शन लेना ठीक है, अनकॉन्शियसली अपने जीवन को नहीं चलने देगा, काफी ब्रेन वॉशिंग होगी, ब्रेन वॉशिंग तो आपको करनी ही है लेकिन सही जगह करनी है, कौन सी ब्रेन वॉशिंग आपके लिए सूटेबल है वो डिसाइड करना है, या तो आप कॉन्शियस माइंड से चूज करके सही जगह ब्रेन वॉशिंग करा लो, नहीं तो अनजाने में गलत जगह, तो ब्रेन वॉशिंग आपकी काफी जन्मों से हो रही है और इस जन्म में भी करा के इस बार भी आप सफल नहीं होंगे, आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। सब कॉन्शियस माइंड के डोर्स पे अगर आपने यूजफुल कॉन्टेंट को सिलेक्ट और यूजलेस को रिजेक्ट नहीं किया तो यूजलेस कंटेंट एक बार घुस गया आपको जीवन भर मिसयूज करेगा। दोबारा सुनिए मेरी बात को, आपका रिकॉर्डिंग स्विच परमानेंटली ऑन है, पूरा जीवन भर ऑन रहता है और लेता रहता है कुछ ना कुछ। ज्यादा न्यूज देखने वाले लोग वास्तव में संसार को लेस रियलिस्टिकली देख पाते हैं। न्यूज के साथ व्रत ले लो, टीवी के साथ व्रत ले लो, आई विल टेक अ न्यूज फास्ट एंड अ टीवी फास्ट। बोनस के लिए वापस आया हूं आज का क्वार्टरली कॉन्शियस ब्रेन वॉशिंग टेम्पलेट लेकर के, गेम चेंजिंग ब्रेन वॉशिंग टेम्पलेट है, इससे आप अपना ब्रेन वॉशिंग खुद कर सकते हैं। आप चाहते हैं अपना ब्रेन वॉशिंग खुद करना, इस क्वार्टरली कॉन्शियस ब्रेन वॉशिंग टेम्पलेट के अंदर पहले अपना एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट, अपना गोल स्टेटमेंट या पर्पस स्टेटमेंट, आपका गोल है, ऑब्सेशन है या पर्पस है, उसको पहले लिख लें कि आप अगले क्वार्टर में क्या अचीव करना चाहते हैं, अगले 3 महीने के अंदर आपको क्या अचीव करना है, पहले साफ साफ लिख लें। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला का नाम है रिसिमिस, रिसिमिस RISIMIS, RI का मतलब है रिचुअल, SI का मतलब है 60, MI का मतलब है मिनट, S का मतलब है सॉलिट्यूड, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड गेम चेंजर है, कम ऑन, मेरे कई क्लाइंट्स की लाइफ बदल गई है इसको फॉलो करने से, आपको मैं फ्री में दे रहा हूं, उनको तो मैं चार्ज करता हूं, ध्यान दीजिएगा, रिचुअल ऑफ 60 मिनट सॉलिट्यूड, रोज दिन के अंदर 60 मिनट सॉलिट्यूड में अपने लिए निकालिए, यह आपका अपना पर्सनल समय है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। 60 मिनट सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब अकेले के अंदर, ये अकेले में समाधि का समय है, इसको यूज कैसे करना है उसका फ्रेमवर्क दे रहा हूं आपको। ये है आपका वीकली रिसिमिस कैलेंडर, आपका रिसिमिस कैलेंडर के अंदर ये अलग अलग कॉलम्स हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले कॉलम में हमने आपको दिया मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ऐसा एक अपने लिए बना ले कंप्यूटर पर फटाफट और उसका प्रिंट आउट निकाल ले, मंडे से लेके संडे तक सारे डेज लिख ले। अगले कॉलम के अंदर आपको अपना रिचुअल का टाइप लिखना है, आप रिचुअल के टाइप को शफल कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किनके बीच में, बुक वीडियो या मेंटर। इस 1 घंटे को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए या तो आप किताब पढ़ेंगे या आप कोई वीडियो देखेंगे या किसी मेंटर के साथ बातचीत करेंगे।
एक घंटा आपका अपना है, ध्यान दीजिएगा। हर रोज मेंटर से नहीं मिल सकते, हर रोज वीडियो नहीं है, हर रोज किताब नहीं, चूज आपको करना है। पर ध्यान दीजिएगा, पिछले स्टेप को भूलना नहीं है, ऑब्सेशन स्टेटमेंट के अराउंड होना चाहिए। कोई भी अच्छी किताब पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, कोई भी अच्छा सा वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा, वही किताब, वही वीडियो या वही मेंटर जो आपके अगले 3 महीने के क्वार्टरली गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करता हो। रोज एंट्री करिए, आज के 1 घंटे में आपने क्या किया, आज किताब के साथ बिताया, वीडियो देख के बिताया या किसी मेंटर के साथ बिताया। अब उसको मेजर करने के लिए अगले कॉलम में चेक करिए और रोज एंट्री करिए कितना मिनट आपने किया। अगले कॉलम के अंदर अपनी की लर्निंग लिखिए कि आज की मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट की लर्निंग क्या थी। और फाइनल कॉलम के अंदर अपनी इफेक्टिवनेस को रेटिंग दीजिए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, आज कितना अच्छा सॉलिट्यूड था मेरा, आप सॉलिट्यूड में कितने सफल थे। अगर ऐसे ही एवरेजली किया तो 10 में से 4-5, बहुत अच्छा किया 10 में से 7-8, एक्सेप्शनली वेल किया, लाइफ चेंज होने जैसा सॉलिट्यूड था आज आपका, तो 10 में से 9 या 10 में से 10 भी दे सकते हैं। एनीथिंग दैट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट इंप्रूव। इसीलिए ये फ्रेमवर्क्स नहीं होंगे तो कोई सफल नहीं हो सकता। जितने दुनिया के टॉप सीईओज हैं वो तभी सफल होते हैं जब उनके पास फ्रेमवर्क्स होते हैं। आपके बिजनेस में, प्रोफेशनल करियर में, पढ़ाई के अंदर, लीडरशिप पोजीशन के अंदर आप तभी सफल होंगे जब आपके पास फ्रेमवर्क हो। मेरे ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम है ना, जिसके बारे में आजकल मैं लगभग हर वीडियो में कुछ चर्चा करता हूं, इस प्रोग्राम में 6 महीने में मैं कई फ्रेमवर्क्स बनाना सिखाता हूं। और जो लोग फ्रेमवर्क बनाना सीख जाते हैं, क्योंकि मैं इसमें प्राइवेट वीडियोस देता हूं हर हफ्ते आपको, आप में से कई लोग वीडियो देखते हैं, फोन करते हैं और आते हैं, प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और उनकी लाइफ बदल रही है। आपने पीछे एक टेस्टिमोनियल वीडियो के अंदर देखा भी होगा शायद। मैं कंटेंट ज्यादा से ज्यादा देना चाहता हूं, इसलिए कई फ्रेमवर्क्स में यूट्यूब फ्री वीडियोस में ही दे देता हूं। अगर डिटेल में जानना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बदलना है, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं, आप अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, मेरा कमिटमेंट ले लीजिए, इसी नंबर पे फोन करिए और लीडरशिप फनल की अगली तारीख का पता लगाइए कि वो कहां है और कौन से शहर में हो रहा है। आपकी लाइफ बदलने की गारंटी मेरी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज का मेरा प्रश्न है कि आपका ब्रेन वॉशिंग पार्टनर कौन है, कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं आप, किसके वीडियोस देखेंगे और किसको मेंटर चूज करेंगे। मेरा प्रश्न है, आपको नीचे लिखना होगा, आपका ब्रेन वॉशिंग पार्टनर कौन है, कौन सी किताब पढ़ेंगे, किसका वीडियो देखेंगे और किसको मेंटर बनाना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थम्स अप या लाइक जरूर दीजिए। आपके हर लाइक को मैं मेजर कर रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे पता लगता है आपको किस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फायदा हो रहा है, इसको लोगों को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। क्या आप चाहते हैं लाइफ चेंजिंग वीडियोस फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पास पहुंच जाए? सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। दोबारा वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।